गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने आज सोचा संडे है तो क्यों ना कुछ अच्छा नाश्ता बनाया जाए, क्योंकि रोज़ हम वहीं पोहे वगैरह खा के थोड़े बोर हो जाते हैं। तो आज सोचा क्यों ना ढोकले बनाए, और मैंने डीमार्ट से जो फ्री मिक्स ढोकला जो बनता है वो लेके आया था, और ये इंस्टेंट बन जाता है। बस हमको ऑयल डालना होता है और इंस्टेंट बन जाता है। तो मैं यहाँ ढोकले का यहाँ ग्रीस कर रही हूँ प्लेट को, पर एक ही इनफ हो जाती, पर मैंने दोनों को भी ऑयल लगा लिया था, पर मैंने सोचा अभी एक ही बस हो जाएगा। तो फिर मैंने एक प्लेट में ही ढोकले का बैटर डाला और बहुत ज़्यादा ही बन गए थे वो, और हम सब लोगों को इनफ भी हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे प्लेट में मैंने डाल लिया है, और घर पे भी बनाया तो अच्छा ही बनता है ढोकला, पर ये जल्दी बन जाता है, इसीलिए फिर मैंने डीमार्ट से ही इस तरह से लेके आया था। और यहाँ मेरे को कट करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा, तो हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, और उन्होंने यहाँ कटिंग की, और एक हाथ में मेरा मोबाइल था तो इसीलिए उन्होंने फिर कट करके दिया बाकी का जो ढोकले का पीसेस थे, और इसको बघार वगैरह मार के हमने अच्छे से खाया। और संडे के दिन ऐसा कुछ अलग नाश्ता बनाए तो अच्छा भी लगता है और हेल्दी नाश्ता भी है, तो हमारी सेहत के लिए भी ये अच्छा है, ऑयल फ्री है तो वो भी अच्छा लगता है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, देखते अभी बाहर कहाँ जाएंगे हम लोग। और बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और बाहर ठंडा लगेगा शाम को इसलिए स्वेट शर्ट पहन लिया है, और बच्चे और हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये लोग भी यहाँ रेडी हो चुके हैं, और विहान हाय करो, चश्मा पहनो, तो चश्मा पहनो, किसको हेलो बोल रहा है? नीचे 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 आंखों पे लगाओ ना। गिर गया क्या तू? क्यों गिरा? क्या वो बंद है? व्यान चलो, तो अभी हम निकल रहे हैं घर से। तो हम लोग गए थे कमाड़ी बाग, और ये थोड़ा पास में है घर के, और बच्चों को भी अच्छा लगता है, और क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और संडे के दिन भी। और फिर हम लोग अंदर आ गए और अच्छा लग रहा था, और बंदर वगैरह भी दिख रहे थे। विहान को तो बहुत हैप्पी उसको लग रहा था, क्योंकि उसको एनिमल ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तो बस मैं कैमरा को लेके यहाँ कैसे शूट करूँ कैसे शूट करूँ ये चल रहा था मेरा तो। तो गाइस अभी है हम कबाड़ी बाग, बच्चों को खेलना था गार्डन में इसीलिए, और बस खेलेंगे, और फिश मार्केट भी जाना है हम लोगों को, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे हम लोग। गाइज अभी हम आ गए घर, और आज पार्क में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, थोड़ी देर बैठा हम लोगों ने, फिर फिश मार्केट भी जैसे कि आपने देखा गए थे हम लोग, और वहाँ से फ़िश लेके आए। और मुझे बहुत दिनों से सूखे जो फ़िश होते हैं छोटी छोटी मछलियाँ वो भी लेनी थी, तो वो भी लिए, और ताज़े वाले झींगे भी लिए हम लोगों ने, तो अभी वही बनाऊँगी मैं। तो यहाँ बुमले झींगे और जो छोटी वाली फ़िश होती है वो ली, और ताज़े भी लिए, क्योंकि मुझे छोटी वाली फ़िश बहुत पसंद आती है, पर हस्बैंड को खाते नहीं, तो मेरे लिए लिया, और हस्बैंड के लिए बड़े वाली फ्राई करने के लिए, तो इतने लिए थे। और झींगे भी लिए थे, क्योंकि झींगे तो कल भी बना सकती, इसलिए फ्रिज में एक दिन हो जाएंगे, इसलिए दोनों भी ले लिया। और इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, और हम लोगों ने खाई भी, और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैंने चने की भाजी भी वहाँ से ही ली थी, और मुझे चने की भाजी बहुत पसंद है, तो मैं वो भी लेके आ गई 1 किलो,
तो यहाँ मैंने तोड़ लिया है अच्छे से, और आपको इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। तो यहाँ कांदा भी मैंने बारीक चीर लिया है, और ये भाजी घर की खेत में नहीं है तो बाहर से लाया है, तो मैंने एक बार इसको वॉश भी कर लिया है, क्योंकि जो भी गंदगी वगैरह हो निकल जाएगी, और वो कुछ दवाई वगैरह भी मारा होगा तो वो भी निकल जाएगा, इसलिए धो लिया। और एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है, उसमें हम ये प्याज भी डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे उसको। और फिर इस तरह से भूनने के बाद हमको हरी मिर्च भी कूट लेनी है, और वो भी इसमें तड़का मार देना है, और थोड़ा सा नमक डाल के हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये बहुत टेस्टी लगती है, आप ज्वार की रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ ये सब्जी खाओगे, तो आपको आधी रोटी खाते हो तो एक खाने लगोगे, इतनी टेस्टी लगती है सब्जी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, और आपको ऐसी रेसिपी और देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको इस तरह से और रेसिपी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हैं ऐसे मिक्स करके हमको पका लेना है, और पानी वगैरह हमको ऐड नहीं करना है इसमें, यह खुद का ही पानी वो निकल जाता है सब्जी का ही, उससे ही पक जाएगी। तो बस ऐसे में पका लिया है और ढक के रख दूंगी 15-20 मिनट के लिए, और ये अच्छे से पक जाएगी, और ये मुझे बहुत पसंद है इसीलिए। और ये यहाँ ज़्यादातर मिलती नहीं है, बस बड़े वाले मार्केट में मिलती है, पर मेरा जाना ही हो नहीं रहा था तो फिर हम लोगों ने वो ली नहीं। पर कल मैं फिश मार्केट गई थी तो वहाँ मुझे ये सब्जी मिल गई, तो मुझे फटाक से मैंने ले लिया। फिर शाम को हम लोग आए थे जूस पीने के लिए, और यहाँ गन्ने का बहुत फ्रेश वाला जूस मिलता है, और यहाँ का थीम्स मुझे बहुत पसंद आता है, और सेल्फी वगैरह खींचने के लिए बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग आ गए थे थोड़ा टाइम स्पेंड करने। और यहाँ झूले वगैरह भी लगे थे तो बच्चे भी थोड़ा हैप्पी होते हैं, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा थीम भी बनाया है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए, और आज का ब्लॉग ऐसा था। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।